हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश में अलग अलग इलाकों में जब भी जनप्रतिनिधि इलाके में पहुंचते हैं, लोगों के बीच उनकी समस्याओं को जानने समझने की कोशिश की जाती है, तो इस दौरान कई खामियां जब सामने होती हैं तो गुस्सा अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा ही टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूर्व के नेताओं को चोर, डाकू और लुटेरे कहते तस्वीरों में कैद हो गए। दरअसल विधायक देवेंद्र बबली बिजली की समस्या को देखते हुए गांव का दौरा करने निकले थे। उस दौरान उन्होंने बिजली से संबंधित कई समस्याएं देखी तो तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई। इस दौरान विधायक का गुस्सा पूर्व के नेताओं पर भी फूट पड़ा और तैश में उन्होंने काफी कुछ कह दिया। क्राइटेरिया है भी, जिम्मेदार की मोटर चली भी हम विभाग चेक करके डाले, या तो आप अपना सिस्टम इतना मजबूत कीजिए या नहीं लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। भाई आज सारे खंबे टेढ़े मेढे हैं, अभी यहां मैंने देखे चार खंबे टेढ़े हैं, वो खंबे गिरते ही चार ट्रांसफार्मर टूटेंगे, कितना बड़ा लॉस होगा विभाग का, उसकी तो विभाग को चिंता नहीं है। आप आज इस शरीफ आदमी घर में आके इनके लेडीज के सामने इनको धमका के जाते हो, ये ट्रांसफार्मर कैसे ने अपनी मर्जी से खड़ा कर लिया करके, तो ये गलत है, ये अन्याय है लोगों के साथ हुआ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे मेरा बीपी ऊपर नीचे कहते जी आप गुस्सा मत हो, मुझे गुस्सा आता है, सच्चे आदमी को गुस्सा आता है, ईमानदार आदमी को गुस्सा आता है, करप्ट और भ्रष्ट आदमी जो आज से पहले नेतागिरी करते रहे, चोर डाकू पूरे टोहाना का लूट के खा गए, क्या गुस्सा है क्या आपके पास कोई? इनका ट्यूबवेल का कनेक्शन का एक मामला था जो विभाग के द्वारा, जो मेरे पास शिकायत थी कि कुछ जइयों द्वारा नजायज तंग करने के मामला और मुद्दा मेरे सामने आया था कि इनके पास 40 किलो वाट का कनेक्शन है, 40 एचपी की मोटर डली हुई है, और इन्होंने जब वो विभाग के अधिकारी यहाँ चेकिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा नहीं आपकी 47 की है, इसको हम 45 कर देते हैं। उन्होंने कहा जी मैं मेरी मोटर निकाल देता हूँ, लेकिन वो मोटर ना देखने की बजाय इनको एक किस्म से इनके साथ एक गलत व्यवहार बर्ताव किया गया। घर में जाके बदतमीजी से बातचीत की गई, जहाँ हमारी बहन बेटियां भी थी, और उसके बाद इनका 45,000 लोड दिखा के चले गए। इनका ट्यूबवेल का कनेक्शन का एक मामला था जो विभाग के द्वारा, जो मेरे पास शिकायत की कुछ जइयो। तो ये आपने तस्वीरें देखी हैं और विधायक की बातों को भी सुना है, लेकिन इस बीच हमारे साथ खुद टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, लेकिन बहुत सारे सवाल आपने इस वीडियो के जरिए भी उठाए हैं जो कि बातचीत का एक वीडियो यहां पर चल भी रहा है, जनता देख भी रही है, अधिकारियों के ऊपर उनके कामकाज के तौर तरीके को लेकर के और पूर्व के नेताओं के ऊपर आपने सवाल उठाए हैं, आपका क्या कहना है सर? देखिए आज प्रतिनिधि होने के नाते जी तो लगे कि जनता ने ड्यूटी मुझे दी है, मैं अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना चाहता हूँ, और आगे अगर किसी के साथ अन्याय होता है वो अपनी फरियाद लेकर, अपनी शिकायत लेकर अगर मेरे पास आता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी को उससे अवगत करा उसको निर्देश देना मेरी ड्यूटी है जी। आज सुबह विभाग के अधिकारियों से मेरी मीटिंग हुई तो ये कुछ लोग मेरे पास आए, इन्होंने पहले भी बार बार समस्याएं बताई, इससे पहले भी एक बार मुद्दा काफी बड़ा जिले विभाग से निकल कर आया था, उन चीजों को लेकर मैं बार बार एक्सएमएस के इतने बड़े अधिकारी डायरेक्टर कपूर साहब हैं, एसीएस साहब के पास, मंत्री जी के पास मैं कम से कम 25 बार बैठ चुका हूँ जाके, सारी चीजों से मैंने अवगत कराया। कुछ लोग, कुछ जेई, कुछ दो चार एसडीओ जो लाइन मैन जिन्हों का एक सिंडिकेट बना हुआ है, उन्होंने यहाँ एक आतंक मचा रखा है, बहुत बड़ी लूटपाट, बहुत बड़ा लोगों को ठगना, उनको डराना, उनको धमकाना, उनके पैसे की रिकवरी करने का एक रिकवरी एजेंसी के तौर पर काम चला हुआ था। पिछले लोगों ने किस ढंग से उनकी क्या मनसा थी, आदमी को व्यवसाय बना के वो लोग आए थे, उन्होंने अपने घर भरने का काम किया, जनता को परेशान करवाने का काम किया। आज भी हम सरकार में हिस्सेदार हैं, हमारे 10 विधायकों से आज बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है, लेकिन यहाँ से जो मैं जो कल बोला हूँ, मैं आपका मेरा भार था, मैं चीज को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सत्य आदमियों को चाहता है जी, वो रिवाज आज भी उसको हरियाणा में चलाना चाहते हैं, आज भी ये गड़बड़ियां करवाना चाहते हैं, आज भी वो लोगों से मंत्रियां मांग मंगवा के घर से पैसा इकट्ठा करवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मैंने उनको बताया, मगर इनको अगर आपने इनको इतना ही ज्यादा तरस आ रहा है तो करनाल में जाके करवाइए ना इनकी गुंडागर्दी, ठीक है आप करनाल में जाइए इनको। यहाँ जनता ने हमें प्रतिनिधि सुना है, जनता की शिकायतें मेरे पास आएगी किसी भी समिति विभाग से, पहले नगर परिषद का मामला क्या उसकी इंक्वायरी हुई, सारा का सारा सिर्फ आईपति जो ने यहाँ करोड़ों रुपए लाखों रुपए सारा मेरे शहर को उखाड़ के फेंक रखा है इन्होंने, उसमें काम नहीं होने देता। इस सब के पीछे देवेंद्र जी आपको क्या लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से सब कुछ प्लान है? मुख्यमंत्री जी का फेलियर, वो कहता है मुख्यमंत्री मेरे नीचे है, कुर्सी साहब से नीचे, मुझे नहीं पता
अमित शाह जी और मोदी साहब मेरी जेब में है, सरकार मैं चलाऊंगा। अरे संविधान है, संविधान ने आपको हक दिया था, आपसे हक ले लिया लोगों ने दिया संविधान के माध्यम से आपको, अब आप दे रखा है वो आकाश मुझे दे रखे हैं। अब आप लोगों का यहाँ जो ये सिंडिकेट चला हुआ है अभी बातों के अंदर, मंत्री जी का भी मैं तो फेलियर कहूंगा, हमारे जो आदरणीय है मेरे लिए, लेकिन मैं विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं वो। नहीं समझ रहे विभाग है, मैं कई दिन पहले करप्ट आदमियों इनको एक लिस्ट बना के देख के आया, मगर अगर इनको आप मेरे हल्के से हटाकर कहीं रख दीजिए। मैं कम से कम पिछले कोरोना के दौरान में मिला, कोरोना से पहले में मिला, आज 9 महीनों में आकर आदमी क्या बर्ता क्या मैं करता जी। देवेंद्र जी ये जिन लोगों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, अधिकारियों का अगर जिक्र है तो क्या किसी एक विभाग के अंदर ही है? यहाँ से बिठा रखा है ये, इसको पैसे की इतनी भूख है, शाम को इनको लाखों रुपए करने चाहिए, इनकी विजिलेंस होनी चाहिए ना। मैं भी जितने लेता हूँ मेरे लेटर पैड पे, यहाँ जितने करप्ट अधिकारी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी वो क्या रिश्तेदार है मुख्यमंत्री जी के, उनके क्यों नहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाते, उनके क्यों नहीं विजिलेंस इंक्वायरी होती, उनके क्यों नहीं इतने एसेट 1.5 लाख तनखा लेने वाला आदमी 200 करोड़ का बनाया रखा है, कहाँ से पैसा आ जाइए? ये आम आदमी गरीब आदमी जिसके 6 किलो आटा नहीं है उसको 60-60 हजार रुपए ये जुर्माना लगा देते हैं जाकर। अंधेरगर्दी मची हुई है, सरकार ने उनकी चीज नहीं है प्रदेश में, हर विभाग में घपला है, हर विभाग में घपला है। तो ये आप कह रहे हैं कि मंत्रियों तक भी आपने ये जानकारी पहुंचाई है, एक पूरी एक लिस्ट तैयार करके आपने सौंपी है, तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। आई जी बैठिए, चाय ले मंगाएंगे, चाय के साथ समोसे आ जाएंगे, विधानसभा का पैसा लगता है, सरकार का पैसा, जनता का पैसा है, बढ़िया सेवा करेंगे। लेकिन ग्राउंड पे पेपर पे कोई काम नहीं, भैया के करप्ट अधिकारी हैं आप, उनमें सस्पेंड कीजिए, टर्मिनेट कीजिए, उनकी इंक्वायरी खुलवाइए, बड़े बड़े गमन है उनको, क्यों नहीं आप इन्वेस्टिगेट करते? आखिर कारण क्या लगता है आपको, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? आपने 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 शिकायतों की पूरी लिस्ट जो है जनता को परेशान करना, जनता को परेशान करना, उनको ये महसूस करना चाहते हैं कि तुमने पब्लिक को वोट गलत दी, ये महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रखा है इन्होंने। तो अब आगे की रणनीति क्या है देवेंद्र जी आपकी, अगर ऐसा ही, क्योंकि आपने शिकायत मंत्री तक को भी दे दी है, मुख्यमंत्री को भी बताया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ? अगर ये करप्ट अधिकारी अगले 10-15 दिन में इन्होंने नहीं लिए तबादले किए या इतना तो कसूरवार को सस्पेंड नहीं किया, जनरल पब्लिक पूरे टोहान के जनता के साथ सड़कों पे चला दिखेगा आप लोगों को। ऐसा सहयोग हमने नहीं दिया था कि हर विभाग में लूट मचाते रहे, नेता भी उसमें मिले हुए, कुछ लोग नेता कर्मचारी का सिंडिकेट का नेता भी है, मंत्री मंगवाते हैं, हरे हुए लोग पैसे मांग रहे हैं, बताओ सरकार के अधिकारियों से, कहते हैं नू तबादला करते हैं, इधर डरा रहे हैं अधिकारियों को। कौन कौन वो लोग हैं, अगर आप नाम लेकर के साफ करना चाहें कि कौन कौन लोग हैं, वो कौन कौन से नेता हैं? भाई साहब किसका नाम ना लेंगे, इस हमाम में मोस्टली लोग नहीं हो रहे हैं, ये राजनीतिक व्यवसाय बना लिया लोगों ने, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है, जनता का शोषण है, जनता का गाढ़ा खून पसीने की कमाई का जो पैसा उसको खून लोग बढ़ के चुप लगे हुए हैं, जिस एक पवित्र विधानसभा में लोग इनको एक उम्मीद के साथ भेजते हैं, वहां जाकर एक फिल्म के सेट की तरह अपने अपने डायलॉग याद करके बोले जाते हैं, वहां बोलने के भी पैसे हैं और ना बोलने के भी पैसे हैं, विधानसभा में बोलने के भी पैसे रुपये ले जाते हैं नेताओं द्वारा, ना बोलने के भी रुपये ले जाते हैं। परमात्मा के भरोसे आज हमारा देश और प्रदेश, मुझे तो मैं आज फिर कहने लग रहा हूं, मैंने एक बार पहले स्टेटमेंट दी चुकी होकर, हमारे नेता हम जिनके साथ गए, हम तो उनको युवा नेता के तौर पर सोच के गए थे साथ में, कहीं भी कोई एक्शन नहीं है किसी काम से, ठीक है, कहीं भी कोई जाते हैं वो जगह जहां जाते हैं वो जगह वही मिलती है अगले महीने, फिर अगले महीने जाते हैं वही खड़ी मिलती है, कोई इंप्लीमेंट नहीं है। यानी कि कोई अभी तक कोरोना की आड़ में लोगों का शोषण हो रहा है, कोरोना का नाम ले लेके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है, लेकिन यहाँ ये जरूर कहा जा रहा है, विधायक देवेंद्र सिंह बबली जो कि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए पूर्व नेताओं के ऊपर लगाए, पूर्व आप कई ऐसे विधायक थे उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, और सीधे सीधे उनका ये कहना है कि अधिकारियों के द्वारा जो काम नहीं किया जा रहा है उसके पीछे एक पूरा गैंग काम कर रहा है। वो कहते हैं कि मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सभी चीजों को लेकर के जानकारी दी जा चुकी है, अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं कोरोना काल में इसको लेकर के अवसर बना रहे हैं, लोगों से उगाही कर रहे हैं, इन बातों का इन शब्दों का जिक्र उनके द्वारा किया गया, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि उसके बावजूद भी शिकायत की गई है अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों जो वायरल हो रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं,
विधायक देवेंद्र बबली का ये जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर भी वो बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान वो बता रहे हैं कि लोगों के साथ लूट खसोट कैसे हो रही है, ये सब कुछ नहीं चलेगा। हालांकि इन सभी चीजों को लेकर के उनका ये कहना है कि अगर सुनवाई नहीं होती है उनकी और अगर मंत्री नेता नहीं सुनते हैं, अधिकारी इसी तरीके से मनमानी करते हैं, तो आगे वो जनता के साथ, टोहाना की जनता के साथ मिलकर के वो सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। यानी कि सीधे सीधे उनका ये कहना है कि जमीन पर एक बार फिर से लोगों के साथ मिलकर के इसको लेकर विरोध किया जाएगा। और कितना ये विरोध सार्थक होता है ये या क्या इसका प्रभाव निकल करके आता है वो फिलहाल देखना होगा। लेकिन वीडियो में वो अपने विरोधियों को डाकू और लुटेरा तक बता रहे हैं। एक बार फिर से जरा आपको वो वीडियो सुनाते हैं। गुस्सा मत हो, मुझे गुस्सा आता है, सच्चे आदमी को गुस्सा आता है, ईमानदार आदमी को गुस्सा आता है, करप्ट और भ्रष्ट आदमी जो आज से पहले आने तक ये करते रहे, चोर डाकू पूरे टोहाना का लूट के खा गए, क्या गुस्सा है? क्या आपके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया है भी जिम्मेदार की मोटर जड़ी भी हम विभाग चेक करके डाले? या तो आप अपना सिस्टम इतना मजबूत कीजिए या नहीं, लोगों को परेशान करना बंद कीजिए भाई। आज सारे खंबे टेढ़े मेढ़े हैं, अभी यहां मैंने देखे चार खंबे टेढ़े हैं, वो खंबे गिरते ही चार ट्रांसफार्मर टूटेंगे।